कांग्रेस छोड़ने वाले गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर अटकलें जारी हैं। हालांकि उन्होंने 10 दिनों के भीतर बड़ी घोषणा के संकेत दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के ही साथी रहे जिग्नेश मेवाणी की टिप्पणियों पर भी जवाब दिया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे पटेल ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया था। वो लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अगली पार्टी को लेकर उन्होंने कहा, रास्ता तय हो चुका है और सभी को जल्दी पता लग जाएगा। हर व्यक्ति समाज का हित, राष्ट्र का हित, राज्य का हित समेत 4 मुद्दों के साथ अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा, आगे जाकर मैं सब कुछ हासिल करूंगा जो कांग्रेस के साथ रहते नहीं कर सका। मैं गुजरात के लोगों के रास्ते पर चलूंगा और उनकी भलाई के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि जिन मुद्दों का मैंने जिक्र किया है उन पर काम करने के लिए कांग्रेस तैयार है। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अगले 10 दिनों में फैसले का ऐलान करेंगे। पटेल ने कहा, मैं गुजरात में राजनीति में बीते सालों से हूँ। कांग्रेस कई सालों से सत्ता में नहीं है। गुजरात के लोग कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहते और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात के लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने की ओर ज्यादा है। मैंने जिन 4 मुद्दों पर बात की वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ ज्यादा मेल खाते हैं। मेरा फैसला अगले 10 दिनों में सभी के सामने होगा। जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल के पार्टी से बाहर निकलने के लिए उन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की है कि कांग्रेस गुजरात विरोधी या भारत विरोधी है। जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के अपशब्दों के लिए पटेल की आलोचना की थी और कहा था कि पार्टी ने हमेशा हार्दिक का साथ दिया और उन्होंने जाते वक्त चिकन सैंडविच जैसी अनावश्यक टिप्पणी की। मेवाणी के आरोपों को लेकर पाटीदार नेता ने कहा, इस तरह की बातें पार्टी के भीतर काफी होती हैं, जिसकी विचारधारा के साथ समझौता किया गया है। मेरी विचारधारा केवल जनहित है। कांग्रेस किसके लिए काम करती है? अगर आप ये कह रहे हैं कि जनहित के लिए काम करने से अगर मेरी विचारधारा बदल गई तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने विचारधारा बदल ली। चाहे बात सामाजिक हित, राज्य के हित या राष्ट्र हित की हो, मैंने विचारधारा बदली है। हालांकि उन्होंने मेवाणी को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट में कहा, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के नेता ने यह बयान दिया कि राम मंदिर की ईंटों पर कुत्ते पेशाब करते हैं। हालांकि उन्होंने नेता का नाम नहीं लिया। पटेल ने आगे लिखा, मैं कांग्रेस और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी है? हिंदुओं से आपको इतनी नफरत क्यों है? सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।